आइए सबसे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊं। इस वीडियो में स्वामी विवेक भारती आहार ग्रहण कर रहे हैं और बहुत कुछ कहेगा ये वीडियो आपसे। बस आप सुनिएगा कि आपसे वह वीडियो क्या कह रहा। जाने अनजाने मनुष्य से बहुत सारे पाप हो जाते हैं। आज हम उनमें से एक पाप की चर्चा करेंगे जिससे यदि बचा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इतनी भीतर खुशी मिलती है जब हम इन पापों से बचते हैं तो इसका मैं प्रसंग जोड़ूंगा स्वामी विवेक भारती के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मैंने स्वामी विवेक भारती जी से कहा था कि वे साल में दो बार मेरे घर भोजन पर आए। उन्होंने पूछा कब आऊं। मैंने कहा ऐसा है कि ये तिथि तो मैं ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पर छोड़ा। मैंने कहा साल में दो बार आपको मेरे घर आना है, जब भी मैं कहूंगा। और उसके बाद वो आते रहे। एक बार मैंने फोन किया कि कल आ जाइए। उन्होंने कहा मैं कन्याकुमारी में सब परिवार आया हुआ हूं, यदि आप कहें तो जो सबसे पहली फ्लाइट हो मैं वही पकड़कर आ जाता हूं। मैंने कहा नहीं, आप आराम से कन्याकुमारी में घूमिए, स्वामी विवेकानंद के दर्शन कीजिए और जब आप दिल्ली आ जाएं तब मुझे फोन कीजिएगा। तो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने मुझे फोन किया। तो खैर ये बात थी कि वो वचन पालन में कितने कटिबद्ध हैं। उसके बाद जब वो मेरे घर भोजन पर आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी व्यंजन मेरी पत्नी बनाती है और वो बड़े प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कहते हैं थोड़ा थोड़ा दो। अपनी थाली में वो कुछ भी झूठा नहीं छोड़ते। इतनी बार हमारे यहाँ पधारे भोजन पर, लेकिन कभी भी अन्न का एक दाना भी उन्होंने झूठा नहीं छोड़ा। उतना ही लेते हैं जितना खाना हो। और उनका ये विशेष रूप से कहना है कि मेरे देश में इतने लोग ऐसे हैं जिनको भूखे पेट सोना पड़ता है, तो यदि हम अन्न का एक एक दाना इस तरह से बचाएं तो हम कितने सारी मानवता की रक्षा कर सकते हैं, मनुष्यता का पेट भर सकते हैं, उसकी उदर पूर्ति कर सकते हैं। और देखिए तो कितनी गहरी बात है कि आप एक दाना गेहूं का अपने घर उगाना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए, छोटा सा गमला लाइए, उसमें दो तीन दाने गेहूं के डालिए और फिर देखिए कितनी मेहनत लगती है गेहूं के उन दानों को तैयार होने में। बहुत सारे तो खुद गिर जाएंगे, कुछ पक्षी खा जाएंगे और बहुत सारी उनके साथ समस्याएं रहती हैं पौधों के साथ। उनके बीच में किसान अन्न को उगाता है और कितना
मुश्किल है फिर उसको संरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, आप तक पहुंचाना। सोचते हैं कितना बड़ा प्रोसेस है ये, और हम क्यों ही कितना सारा अन्न समारोह में व्यर्थ कर देते हैं, होटलों में जाकर व्यर्थ कर देते हैं। और हमारा कई बार तर्क ही होता है, हमने पैसा दिया है, हम कुछ भी करें, ठीक है आपने पैसा दिया है, लेकिन वो जो अन्न है वो तो प्रकृति की देन है ना आपको, और आप प्रकृति को क्या कर रहे हैं, क्या लौटा रहे हैं? धन्यवाद तो दे ही नहीं रहे, बल्कि उसका अपमान कर रहे हैं। तो प्रयास करें भविष्य में जहां कहीं भी भोजन का आयोजन हो या आप घर पर भी खाएं, उतना ही बनाएं जितना आपकी आवश्यकता है। तो अन्नम ब्रह्मम हमारे यहाँ कहा गया है, हमारी जो संस्कृति है कि अन्न ही ब्रह्म है, बिना अन्न के कुछ नहीं। तो आप प्रयास करें कि अपने जीवन में आप ये संकल्प ले लें कि हम अन्न का अनादर नहीं होने देंगे, ना स्वयं करेंगे और आसपास भी इस चीज को लेकर हम जागृति फैलाएंगे। तो आप फिर देखिएगा कि आपके भीतर एक कैसी शांति जन्म लेती है।